हरे कृष्ण बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण बोले गुरुदेव की जय। हम लोग पहले श्रवण कर रहे थे रासलीला श्रवण कर रहे थे, कहते रासलीला में हम लोग बहुत बहुत कुछ सुने हैं। जहाँ तक हमने रासलीला की थी पहले, उसको बाद से हम सुनते हैं। अच्छा ठीक है, उसको बाद से सुनते हैं। कृष्णा जब बंसी ध्वनि बजाए, लेकिन जो बंसी ध्वनि दो तरह का है, एक है सर्वभूत मनोहर और एक है गोपीभूत मनोहर। कभी कभी कृष्णा ऐसे बंसी बजाया करते थे जो कि सबके सब लोग सुनते थे। जब सुनते थे जैसे पेड़ से मधु झरना शुरू होता था, पक्षी कभी मुन्नी बन जाते थे, जमुना उल्टी बहती थी, जहाँ पर गैया घास खाना भूल जाते थे, बछड़े दूध पीना भूल जाती थी। इसलिए जिसको कहते हैं सर्वभूत मनोहर, जब सबके सब सुनते थे। लेकिन कभी कभी कृष्णा ऐसे बंसी ध्वनि करते थे केवल गोपीभूत मनोहर, जिसको केवल गोपियाँ ही सुन सकते हैं। इसलिए कृष्णा बंसी बटकनी से जो बंसी बजाए वो सर्वभूत मनोहर नहीं था। अगर सर्वभूत मनोहर होता तो पूरा के पूरा ब्रज ही, पूरा पूरा ब्रज ही वहां पर आ जाता है। लेकिन कृष्णा जो बंसी ध्वनि बजाए वो केवल गोपीभूत मनोहर है, जिस शब्दों को केवल गोपियाँ ही सुन सकते हैं और शब्दों कोई नहीं सुन सकते हैं। इसलिए श्री विश्वनाथ चतुर ठाकुर कहते हैं बंसुर भी अलग अलग है, एक का नाम बंसी, एक का नाम मुरली है, और एक नाम मुरली बंसी और बेणू। ये बंसी भी तीन है, और किसमें नौ छेद है, किसमें बारह छेद, किसमें छः छेद है, उसमें अलग 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 से वर्णना किया है। इसलिए कृष्णा जिस समय बंसी ध्वनि बजाए कहते जगो कलो बाम दृशा मनोहरा, वहाँ पर बताए उसमें जो शब्द जो उन्होंने था वो कौन सा शब्द, बोले जगो कलो, जैसे हम हर मंत्र से पहले क्लिंग शब्द उच्चारण करते, जो क्लिंग शब्द है वो बीज मंत्र है। इसलिए बोले जगो कलो, तब वो कौन सा शब्द था, बोले क्लिंग, क्योंकि जगो का लव का ल और सर्वभूत मनोहरा मतलब उसमें ई, और मनोहरा मतलब मन को धारण करने वाले मन का जो अधिष्ठात्री देवता चंद्र, मतलब कृष्ण क्लिंग शब्द को उच्चारण किया, ये बीज मंत्र है। लेकिन वो शब्द ऐसे शब्द था वहाँ पर केवल राधा रानी सुन रहे थे, बंसुरी से केवल राधे राधे शब्द निकल रहा, ललिता सुन रही थी बंसुरी से केवल ललिता ललिता शब्द, विशाखा सुन रही थी केवल विशाखा विशाखा शब्द निकल रहा है। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्र उदाहरण देते हैं कृष्ण कौन है, बोलिए चोरों का सरदार है। जैसे चोर का जो सरदार होता है वो कभी चोरी करने नहीं देता, वो अपना जगह पर बैठता है और अपना चेलों को भेज देता है, बोले जाओ लूट लाट करके सब माल को लाना और मेरे को देना। इसलिए कृष्ण चोरों का सरदार है, हैं? अभी कृष्ण बैठ करके उन्होंने अपना चेलों को भेज दिया, बोले चेले कौन है, बोले कृष्ण की ये बंसी ध्वनि ही चेले हैं, बोले जाओ सब माल लूट करके लाओ, हाँ सब माल लूट करके लाओ। लेकिन असली माल क्या है, बोले कृष्ण प्रेम धन बिना दरिद्र जीवन, असली जो धन है वो कृष्ण प्रेम है। कह तो कृष्ण प्रेम रहता है कहाँ पर, बोले भक्तों का हृदय में। लेकिन सबसे बड़े भक्त कौन है, बोले ब्रज की गोपियाँ। इसलिए वो जो धन है ये गोपियों के हृदय रूपी तेजोरियों में वो प्रेम धन छुपा हुआ। इतने में कृष्ण बंसी नहीं बजाए, मानो अपना चेलों को भेज दिया जाओ माल को पकड़ कर गिलाओ अभी। लेकिन जब गए चोरी करने के लिए, लेकिन भाग्य देखो, लेकिन दरवाजा खुला हुआ, दरवाजा खुला हुआ बंद नहीं, बोले वाह बढ़िया, चोर को चोरी करने के लिए दरवाजा खुला हुआ, तो बोले दरवाजा कौन, बोले कान। बंसी ध्वनि इनके कान रूपी दरवाजा में कहाँ प्रवेश किया, माल कहाँ पर, बोले दिल में, हृदय में, जो कृष्ण प्रेम यही दिल में, वो कृष्ण प्रेम रूपी धन दिल में, इतने में प्रवेश किया। प्रवेश करते हुए उनके हृदय में जो धैर्य लज्जा मान जो कुछ था, बंसी ध्वनि उसको पकड़े और उसको लेकर के भागे। जब लेकर के भागे, जैसे आपका घर में कोई चोर आ गया,
आप जिंदगी भर जो पैसा को कमा करके रखे, अगर वो सारे पैसा को लेकर अगर चोर जाए तो आप क्या करोगे बता? उसको पीछे पीछे भागोगे कि नहीं? बोले जी भैया जिंदगी का जो कमाई था वो सारी कमाई ये चोर चोरी करके ले जा रहा है, इसलिए उसको भागो, उसको पकड़ो पकड़ो। इतने में गोपियों के हृदय रूपी जो धन को लेकर जब बंसी ध्वनि रूपी चोर भागे, इतने में जितने गोपियां थी ना उसको पीछे 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 सब भागे, भैया हमारे सारे धन चोरी हो गए। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं जिस समय गोपियां निकल रही थी लेकिन एक दूसरों को देख नहीं रही थी। बोले क्यों नहीं देख रही? बोले कारण है हमारे जीवन का जो कमाया हुआ धन अभी लूट रहा है, कोई लेकर के जा रहा है, इसलिए भैया वो धन ले जा रहे हैं, इसलिए उसको पीछे जा रहे, तो कोई किसको देख नहीं पा रहे थे उस समय। तो यहाँ पर बता रहे हैं कृष्ण गोपियों की प्रेम में इतने बसीभूत क्यों हुए? कृष्ण सब जगह पर उन्होंने प्रतिज्ञा की है, ये जथा माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजामि, मेरे को जो जितना भजन करता है मैं उसी के अनुरूप उतना प्रेम देता हूँ। लेकिन ये गोपियों के पास में आकर कृष्ण कहते हैं न पारे अहम निरवत्त संयुगम, हे गोपियाँ तुम लोग को जो त्याग मेरे प्रति, इसलिए कृष्ण गीता में जो बताए सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, कहते ये श्लोक पूर्ण रूप में अगर लागू होता है, कहाँ पर लागू होता है? केवल गोपियों में, पूर्ण रूप में केवल गोपियों में ही लागू होता है, क्योंकि उनको जो त्याग है इतने बड़े त्याग किसने नहीं किया। इसलिए कृष्ण कहते हैं ना पारे अहम, उदाहरण देते हैं विश्वनाथ देव ठाकुर, कोई एक पहलवान था बहुत बड़ा, सब जगह में ढीक हाँकता था, कोई आओ मेरे हाथ में दो हाथ कर लो, मेरे साथ में लड़ाई कर लो। जहाँ पर एक शेर है ना कहीं सवा शेर भी मिल जाता है, सवा शेर समझ तो उससे भी बड़ा कोई पहलवान मिल जाता है। जी। अभी वो डीग हाँक रहा था, कोई हो तो आओ दो हाथ कर लो, इतने में कोई सवा शेर वाले भी मिल गया। बोले सवा शेर वाले कौन है? कहिए ब्रज की गोपियाँ, ये सवा शेर हैं। इसलिए जब सवा शेर वाले मिले, जो सवा शेर वाला था बोले भैया मेरे हाथ में दो हाथ कर लो। बोले युद्ध क्या करेगा? उसको हाथ पंजा मिलाया, पकड़ करके इतने जोर से दबाया और ऐसे एक झटका मारे, वो जो एक सिर वाला था ना वो सवा सिर को चरणों में गिर पड़ा। बोले भैया तेरे पास तेरे पार नहीं पाऊंगा, तेरे साथ में लड़ाई नहीं कर सकता हूँ, मेरे को तो माफ कर दे। कहते एक सिर वाले कृष्ण और सवा सारे वाले ब्रज की गोपियां हैं। कृष्ण तो अपना अभिमान करते थे, डीग हाँकते थे, लेकिन गोपियों की प्रेम को सामने जो पड़े ना, कृष्ण बोले भैया गोपियां मेरे को माफ कर दो, ब्रह्मा जैसे परमायु लेकर के भी मैं तुम्हारी ऋणी को कभी चुका नहीं पाऊंगा। इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं, इसलिए कृष्ण जो स्वागत शब्द केवल दो बार प्रयोग किया है, उनने 3 बार कहीं प्रयोग नहीं किया है, केवल उन्हें 2 बार प्रयोग किया। भले कहाँ कहाँ पर? भले एक तो ब्रज की गोपियों के पास में, और दूसरे उन्होंने जिस समय द्विजो पत्नियों ने भी अपना पति पुत्र परिवार की सबको ठुकरा करके जब कृष्ण के पास में आए, कृष्ण वहां पर केवल कृष्ण जीवन में ये 2 बार ये स्वागत शब्द का प्रयोग किया है। इसलिए कृष्ण कहते स्वागतम मे महाभागा, और ये महाभागा शब्द जो प्रयोग किया उन्होंने केवल 2 बार किया, तीसरा बार उन्होंने ये शब्द नहीं प्रयोग किया है। बोले क्यों स्वागत क्यों करते हैं? बोले कारण है जो व्यक्ति सब कुछ जगत का माया मोह ममता को त्याग करके मेरे शरण में आते हैं, कि तो भैया मैं उसको स्वागत करना है। और जगत में सबसे जो सौभाग्यवान कौन है? जो मेरे शरण में आते हैं। इसलिए बोले महाभागा तुम लोग जगत में जितने भाग्यवान हैं, सबसे बड़े भाग्यवान कौन है? बोले तुम लोग हो सबसे बड़े भाग्यवान, इसलिए मैं तुमको स्वागत करता हूँ। इसलिए यहाँ पर 3 श्लोक में उन्होंने वर्णना किया है, 3 श्लोक में ये गोपियों की क्या त्याग था जिसके लिए कृष्ण इनकी प्रेम में वशीभूत हो गए, क्या त्याग था? तो उनके 3 श्लोक में बताए, 1 श्लोक में बताए कृष्ण जब बंसी ध्वनि बजाए उसी समय कहते देह और दही जो जो संबंध है उन्होंने परित्याग किया है। देह और दही की संबंधी कोई गोदहन कर रही थी और कोई गोदहन करा रही थी,
कोई चूल्हे में कोई दूध को उबाल रही थी, कहती ये। लेकिन उससे ज्यादा जो संबंध है, कोई अपना पति की सेवा कर रही थी और कोई बच्चे को दूध पिला रही थी। हाँ, यहाँ पर विश्वनाथ चौटाला कहते हैं, भैया कौन सा बच्चे को दूध पिला रही थी? बोला अपना बच्चे नहीं, अपना बच्चे को दूध नहीं पिला रही थी, क्योंकि अपना बच्चे को दूध वहां पर रसाभास आ जाएगा कृष्ण सेवा में। इसलिए हम बाद में सुनेंगे कौन सा गोपियां आई और कौन सा गोपियां अंदर से बाहर निकल नहीं पाई। बल उन लोगों ने निकल नहीं पाई जिनको पति को साथ में दही खींचने का संबंध था, वो शरीर हो गया अपवित्र, वो शरीर पवित्र नहीं, वो कृष्ण सेवा के लायक नहीं। इसलिए जोग माया ने उनका आने नहीं दिया, उनको अंदर में रोक दिया। लेकिन जिनका शरीर को साथ में पति का कोई भी संबंध नहीं था, कहते जो माया ने उन लोगों को आने दिया, उन लोगों को आने दिया, सबको आने के लिए नहीं दिया। इसलिए अगर यहाँ पर बच्चा हो जाता तो फिर तो ये लोग कभी कृष्ण को साथ में, कभी वो लोग आकर कृष्ण को साथ में नहीं हो पा सकते थे, हैं? इसलिए यहाँ पर बताया जो दूध पिला रहे थे, दूध वह स्तन शब्द नहीं बताया, वो दूध शब्द बताया। दूध मतलब है अपना बच्चे को नहीं, परिवार में और किसी बच्चे को वो दूध को पिला रहे थे, कोई दूध पिला रहे थे। और उसको ऊपर में उसको बाद में बताया जो पति की सेवा कर रहे थे, हैं? पति की सेवा कर, उस समय पति का सेवा भी त्याग दे दिया। इसलिए हमारी आर्य धर्म में बताया जो पति है उसको परमेश्वर बताया, पति को हमारे भारतीय संस्कृति में पति को उन्होंने परमेश्वर बताया, जो पति की सेवा और बच्चे का सेवा। आप बच्चे को दूध पिला रही थी, छोड़कर चली जाओगे आधा, असंभव है। आप पति को परमात्मा मानते हैं, जो पति की सेवा करते करते और कोई काम पड़े पति को छोड़कर कभी चला जा सकते हैं? कभी जा ही नहीं सकते हैं। इसलिए लेकिन उन लोगों ने संसार का जितना संबंध था, हाँ, सारी संबंध को उन्होंने त्याग दिया। और उससे भी श्रेष्ठ बात बताए, जिस समय वो श्रृंगार कर रही थी, उससे भी अपना शरीर का जो संबंध और श्रेष्ठ है। जो कोई एक आंख में काजल लगा रही थी, अभी दूसरे आंख में काजल लगा नहीं पाई है। कोई अपना वस्त्र पहन रही थी, आधा वस्त्र पहन 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 हुई कृष्ण का बंसी ध्वनि सुनते ही वो आधा वस्त्र ही छोड़ दिए, हैं? आधा वस्त्र भी छोड़ दिए वहां पर, छोड़ करके वहीं से भागने लग गई। कोई अपना शरीर को गले का जो हार को कमर में, कमर का गर्भनि का उन्होंने गले में धारण कर लिया। मतलब इन लोगों ने देह दही पुत्र परिवार संसार की जितने मान मर्यादा जितने संबंध था उन लोगों ने सब कुछ उन्होंने त्याग दिया, कृष्ण के लिए उन्होंने सब कुछ उन्होंने त्याग दिया। त्याग दे करके आए, इसलिए कृष्ण उनको ये स्वागत कर रहे हैं। बोले देखो तुम लोग मेरे लिए ये संसार का जितने भाई बंधु पुत्र परिवार जितना दुनिया की जितने था तुम लोगों ने मेरे लिए त्याग दिया है, इसलिए तुम लोगों को मैं स्वागत करता हूँ। जगत में तुम लोग सबसे बड़े सौभाग्यवती तुम हो, क्यों? जो लोग मेरे सेवा के लिए सब कुछ उन्होंने त्याग दिया है। तो उसको बाद में कहते बोले ता वर्ज्य माना पति भी पितृ भी भातृ बंधु भी गोविंदा अपरिहितात्मन न्यवर्तन्ते मोहिता। यहाँ पर बता रही है जिस समय ये निकल करके आ रही थी, अभी यहाँ प्रश्न है, घर की स्त्रियां रात का बीच रात में कोई घर से निकलते हुए जा रही, अपना पत्नी, कहते पति ये चीज को कभी सहन कर सकता है? मेरी पत्नी रात को 2-2 बजे अपना घर छोड़कर कहीं जा रही है, पति कभी ये चीज को सहन नहीं कर सकता। और हमारे शास्त्र में बताया जो स्त्रियों को स्वतंत्रता कभी शास्त्र में स्वीकार नहीं किया, बोले जो बच्चे हो तो उस समय अपना पिता माता के अधीन में रहे, जो बड़ी हो जाए अपना पति की अधीन में रहे, और जो वृद्ध हो जाए अपना बेटे को अधीन में रहे। इसलिए जब कोई नहीं हो फिर अपना परिवार की अधीन में स्त्रियों को रहनी चाहिए। स्त्रियों को जीवन को एक उदाहरण दिया कि जैसे आटा है ना, आटा के जैसे गोला बनाकर अगर घर को अंदर में रखोगे चूहा खा जाएगा, अगर छत के ऊपर रखोगे कौवा खा जाएगा, चिड़िया खा जाएगा। मतलब स्त्री जाति ऐसे जाती है, बताए
उनको कभी स्वतंत्रता नहीं रहनी चाहिए, हर समय अपना पति पितामाता और अपना भाई बंधु की अधीन में ही रहनी चाहिए। कभी उनको स्वतंत्रता रूप में कभी उनको शास्त्र निर्देश नहीं दिया। अभी घर की पत्नी रात 12 बजे ये कहीं अकेली जा रही हैं, कहते भैया जो पति है ना कभी भी ये चीज को सहन नहीं कर सकता है, मेरी पत्नी कभी स्वतंत्र होकर रात को अकेले कहीं चले जाए। तो यहाँ प्रश्न करते हैं, फिर ये गोपियां जो चली गई, ये गोपियां कैसे चली गई, तो उनको भाई बंधु पुत्र ये चीज को सहन कैसे किया। तो यहाँ पर कहते हैं मोहिता, यहाँ पर उदाहरण देते हैं भगवान जब कृष्ण बंसी ध्वनि बजाए ना, वो बंसी ध्वनि में ऐसे चमत्कार का था। हाँ भगवान अगर किसको, इसलिए उनका नाम कृष्ण, कृष्ण मतलब क्या, क्री मतलब होता है सब जीव को आकर्षण करे, हैं सब जीव को जो आकर्षण करे। इसलिए जब कृष्ण किसको आकर्षण करते हैं फिर दुनिया का कोई वस्तु नहीं उसको कोई रोक सकता है, उसको जगत में कोई नहीं रोक सकता है कृष्ण अगर आकर्षण करे। इसलिए उन्होंने मोहिता, मोहिता मतलब होता है कृष्ण की बंसी ध्वनि में, यहाँ पर गोपियां भी मोहित है, उनका परिवार भी मोहित है, दोनों ही कृष्ण भक्ति में मोहित है होने का नाते जब कृष्ण बंसुरी बजाए, उनको भाई बंधु पुत्र परिवार सब मना किए, लेकिन मना करने पर भी लेकिन उन लोगों ने किसका मना नहीं सुने। तो दूसरी बात कहते हैं, बोले भैया नहीं सुने, अभी पति कैसे ये चीज को स्वीकार कर सकती है, मेरी पत्नी बीच रात में कहीं चले जाए स्वीकार कैसे कर सकते हैं। ठीक है उनको कृष्ण बंसी ध्वनि में मोहित हो गए। तो यहाँ पर उन्होंने दूसरा उदाहरण देते हैं, कृष्ण जब बंसी ध्वनि बजाए जो असली जो गोपी है वो तो घर छोड़कर चली गई, लेकिन जो माया ने किया कि गोपियां जैसे मूर्ति बना दी, मूर्ति बनाकर घर में रखवा दिया। इसलिए पतियों को पता चला, उनको भाई बंधु को पता चला हमारी जो बेटी जो बहू है वो कहीं गई नहीं, ये तो हमारे साथ में जा रही थी लेकिन हम उसको रोक दिया। तो उन्होंने क्या किया, हमारी बेटी बहू पत्नी हमारे साथ में आ गई है, हाँ वो कहीं गई नहीं हमारे साथ में आ गई। इसलिए जोग माया ने ये सब चीज को उन्होंने जोग माया किया। तो विश्वनाथ को तीसरा चीज कहते हैं, कहते भक्ति की तीन स्टेज है, कहते हैं कि साधन दशा और एक भाव दशा और एक प्रेम दशा। भक्ति की तीन स्टेज है, साधन भाव और प्रेम। कहते ये साधन का जो अवस्था में क्या लक्षण है, बोले उसमें दो लक्षण है क्लेशग्नि सुखदा, ये दो लक्षण है। और जो भाव में वहां पर दो लक्षण है, अब प्रेम में दो लक्षण, उसका दो दो तो छह लक्षण है। कहते जो साधन अवस्था में जो दो लक्षण है क्लेशग्नि और सुखदा, अगर सचमुच से कोई भक्ति की साधन करे उसको अंदर में दो पत्ते निकलेगा, है दो पत्ते निकलेगा, एक क्लेशग्नि एक सुभदा। बोले क्लेशग्नि मतलब क्या, बोले जितने दुख है जितने प्रारब्ध अप्रारब्ध बीज और कूट है, बीज मतलब जो बीज है, कूट मतलब होता है जो पर्वत आकार में, जितने पाप क्लेश दुख ये सब के सब नष्ट हो जाएगा, भजन में तुम्हारी कोई बाधा विपत्ति हो ही नहीं सकती, कोई बाधा विपत्ति नहीं। और सुभदा मतलब है जगत में तुम्हारी बड़ी जय जयकार हुई, सारा दुनिया तुम्हारी प्रशंसा करेंगी, भैया कितने बड़े भक्त है कैसे भजन करता है, सारा दुनिया में तुम्हारी जस फैली जाएगी। लेकिन ये लोग तो उससे ऊपर है, गोपियां उसके ऊपर है, ये लोग कहाँ पर अवस्था प्राप्त किए, बोले श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति रुचि निष्ठा आसक्ति और भाव। कहते भाव अवस्था में क्या होता है, कहते भावावस्था में कृष्ण की स्फूर्ति होने लग जाती है, कहीं कृष्ण की मीठे मीठे बंसुरी की आवाज सुनने को मिलेगी, कान एकदम खड़ा हो जाएगा, कभी कभी कृष्ण की चरण के नुपुर की छम 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 आवाज सुनेंगे, हैं कभी कभी ऐसे लगेगा जैसे कृष्ण आकर के मेरे को स्पर्श कर रहे हैं, उनका शरीर का सारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कभी कभी उसको ऐसे लगेगा जैसे कृष्ण आए और हमें अपना अधरा मृत तो पिला कर चले गए और अपना होठ को चाटने लग जाए, हम मेरे को किसने अधरा मृत किसको पिला कर गए, हैं कभी कभी उसको ऐसे लगेगा जैसे कृष्ण मेरे सामने प्रकट हो गए और शरीर का जो ज्योति उनको जो प्रकाश से पूरा एकदम उसको आँख चकाचौंध हो जाएगा। कहते ये सब लक्षण है भावावस्था में, इसे भावावस्था में
इसलिए प्रेमावस्था में तो कृष्ण साक्षात दर्शन, कृष्ण प्रेमावस्था में दर्शन है। इसलिए जब उसको भाव सिद्धि हो जाती है, भाव सिद्धि मतलब होता है हर जीव के हृदय में एक कृष्ण सेवा की एक वासना है, किसको सख्य, किसको वात्सल्य, किसको मधुर, किसको अंदर में एक एक भाव एक जीव में, क्योंकि ये अवस्था में क्या होता है, भाव अवस्था में उसको अपना स्वरूप सिद्धि प्राप्त होता है। बोला हमारी कृष्ण के साथ में क्या संबंध है, उस समय इसी अवस्था में प्रकट होता है। फिर जोग माया उसको क्या करता है, जब ये शरीर छोड़ता है ना, उसको लेकर के उसको प्रकट ब्रज में जन्म देता है। प्रकट ब्रज मतलब जहां पर कृष्ण अभी जन्म लेकर के जहां लीला कर रहे हैं उसको वहीं पर उनको जन्म दे देता है। जन्म देने पर क्या होता है, फिर वहां पर जो नित्य सिद्ध परिकर है, कृष्ण की जो नित्य सिद्ध परिकर है उनको साथ उनका संग होता है। संग होने पर क्या होता है, जैसे आप जन्म लिया, जन्म लेकर के अपना मैया को देखा, अपना पिताजी को देखा, फिर देखा भैया पिता माता में क्या संबंध है, ये मैया को साथ में बेटे को कैसे पर संबंध रखनी चाहिए, अपना बहनी को साथ में कैसे बिहेवियर करनी चाहिए, अपना दादा चाचा को साथ में कैसे बिहेवियर करनी चाहिए। अब इस चीज को देखोगे ना, देख देख कर क्या होता है, स्वाभाविक रूप में बच्चा वो चीज को सबके सब सीख जाता है। इसलिए जो नित्य सिद्ध परिकर, जैसे कोई अगर गोपी भाव से हो फिर ललिता विशाखा इनके अनुगत में, कोई सख्य भाव में हो सुबल श्रद्धा मधुमंगल इनके अनुगत में, कोई मैया जसोदा की वात्सल्य रस में हो फिर माता की भाव को देखकर धीरे 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 क्या होता है, उनको साथ में देख देख करके ना कृष्ण को कैसे प्रेम करते हैं, कृष्ण को कैसे सेवा करते हैं, फिर धीरे 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 ये जीव सीखना शुरू कर देता है, धीरे धीरे सीखना। फिर उसको बाद में वस्तु सिद्धि में फिर उसको तो फिर कृष्ण जब वो भौम जगत छोड़ करके अपना गोलोक वृंदावन में जाते हैं, फिर जीव चिरकाल के लिए बस कृष्ण सेवा में चले गए, फिर उसका जन्म मृत्यु दुख कष्ट समाप्त। इसलिए यहाँ पर प्रश्न करते हैं, जो गोपियां हैं है? जब जा रही थी फिर उनको भाई बंधु ने रोके कैसे, क्यों क्लेशग्नि है ना, क्लेशग्नि मतलब होता है साधन अवस्था में ही ये सब चीज समाप्त हो जाती है। ये लोग तो बहुत उच्च स्थिति में पहुंच गए, फिर इनको अंदर में इसको बाधा विभक्ति, इनको बाधा कैसे आई है, इनको तो बाधा नहीं आनी चाहिए ना, जो बाधा नहीं आनी चाहिए हाँ, इसलिए इसको बाद में इसलिए कहते हैं उनको जो बाधा दी है, केवल किसको किसको बाधा दी है और कौन कौन गोपियां गई और कौन कौन गोपियां रह गई और क्यों रह गई, गई तो गई क्यों, रह गई तो रही गई क्यों, फिर उसको बाद में इसकी रहस्य को बताते हैं कि उन लोगों ने बाधा दी है और कारण क्या है, इसको हम कल सुनेंगे, कल कई बजे कल सुनेंगे, कल आएंगे कई बजे, कितने बजे हम लोग, कितना सुबह मंगल आरती के बाद में ना, मंगल आरती अच्छा।